हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। रेत के ऊपर घर न बनाओ, जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 47 आयत में लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मसीही जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा रास्ता तंग रास्ता है और बहुत थोड़े हैं जो इसमें से निकलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मसीही जीवन कांटों का बिस्तर है। जैसे जैसे आप अपना जीवन मसीह के साथ पवित्रताई में, प्रार्थना में और धार्मिकता में व्यतीत करते जाते हैं, परमेश्वर का नाम आपके जीवन में और मीठा होता जाता है और आपका जीवन और आसान हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं, जो मेरे वचनों को मानता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आए, लेकिन वो घर गिरा नहीं बल्कि स्थिर बना रहा, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था। और जो व्यक्ति मेरे वचनों को नहीं मानता वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। ऐसा घर जल्दी तो बन जाता है और इसमें मेहनत भी नहीं लगती, लेकिन जब आंधी और तूफान आए तो वो घर जल्दी ढह जाता है। और जिसने चट्टान पर घर बनाया तो वो बहुत मुश्किल से बना। जब रेत वाले का घर बन चुका था तो ये अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आप सोचो कि जो व्यक्ति चट्टान पर घर नहीं बनाना चाहता और जो ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के नाम के कारण लोग उसको बुरा बोलें, जो यीशु मसीह के नाम को सबके सामने स्वीकार नहीं करना चाहता और जो सभी धर्मों के रीति रिवाजों को भी मानना चाहता है, ऐसे लोगों का बपतिस्मा लेने का और प्रभु यीशु मसीह को मानने के पीछे ये मतलब होता है कि वो गर्भ धारण की गवाही के साथ आशीषित हो जाएं और उसके बाद वो लोग फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण मुश्किलें नहीं लेना चाहता और संघर्ष नहीं करना चाहता, तनाव नहीं सहना चाहता। पर उसको ये नहीं पता कि जब तूफान आएगा उसका घर स्थिर नहीं रहेगा। जिसने चट्टान पर घर बनाया था उसको अच्छा नतीजा मिला, क्योंकि उसने उस फसा के लिए, उस छुटकारे के लिए, उस अभिषेक के लिए मूल्य अदा किया था, और वो मूल्य उसने प्रार्थना के द्वारा, रोजों और बाइबल के वचनों पर चलने के द्वारा अदा किया। मेरे प्रियो, 2004 में हर हफ्ते हम 3 दिन रात के रोजे रखते थे। हमारा पूरा ग्रुप रोजे रखता था। वो जीवन इतना तनाव वाला था, इतने अटैक होते थे और जीवन इतने संघर्ष में था, जैसे कि ये परमेश्वर की मेरे जीवन में जबरदस्ती की हुई एक योजना थी। 2004 से 2006 में लगातार मैंने 40-40 रोजे कितने ही बार रखे। यही कारण है कि जब मरी फैली हुई थी, जब देश में युद्ध हो रहे थे और जब अकाल पड़े थे, तब भी ये सेवकाई स्थिर रही, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि जो व्यक्ति चट्टान पर अपना घर बनाता है वो चाहे तूफान भी आए तब भी गिरता नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर आपका कोई दर्शन है तो परमेश्वर आपको उसे पूरा करने के लिए अनुग्रह देंगे, लेकिन उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपको कुछ मूल्य अदा करना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसे करने के लिए परमेश्वर का वचन मना करता है, और आपको वो ही काम करने हैं जिसे परमेश्वर का वचन करने के लिए बोलता है। इसीलिए हर रोज प्रार्थना में समय बिताओ, रोजे रखो और परमेश्वर में पवित्र तरीके साथ चलो और अपना घर मजबूत चट्टान पर बनाओ। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलते हुए अपना घर चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, ताकि जब तूफान आए तब भी मैं आप में स्थिर खड़ा रहूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।